गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी आज क्लास थर्ड है। सब्जेक्ट है इसका साइंस। फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन हमारा हो गया था, तो आज हम इसका करेंगे थर्ड लेसन। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट लेसन था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकेंड लेसन था एनिमल एंड प्लांट, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। थर्ड लेसन पर आते हैं जिसका नाम है पार्ट ऑफ ए प्लांट। इसका मतलब होता है कि पौधों के भाग। ठीक है, ये देखिए एक डायग्राम दिया है, प्लांट का डायग्राम है। ये देखिए लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्तियां। स्टेम, स्टेम का मतलब होता है ये तना। ठीक, रूट्स, रूट्स का मतलब होता है जड़ें। फ्लोवर, फ्लोवर ये मीन्स फूल। और ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है इसकी ये शाखाएं या डालियां। ठीक है, देख लो एक बार ये डायग्राम अपनी फेयर कॉपी में, लेसन थर्ड का नाम डालकर ये डायग्राम अपनी फेयर कॉपी में बनाना ही बनाना है, सेम ऐसा का ऐसा ही। देखिए इस लेसन में हमको रूट के बारे में बताया, रूट मतलब जड़ें अभी बताए आपको, स्टेम के बारे में बताया मतलब कि तना। ठीक, उसके बाद लीफ के बारे में बताया है मतलब कि पत्तियों के बारे में, फ्लोवर्स के बारे में बताया है, फूल के बारे में। ठीक है, फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में बताया गया है, फ्रूट्स का मतलब फल, सीड्स मतलब बीज। ठीक है, तो बीजों के बारे में बताया। आज हम इसकी सबसे पहले एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले आता है अपना ए, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट आता है यहाँ से देखना, होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल। जो पौधे होते हैं उनको मिट्टी में, फर्मली का मतलब जमा देना, तो जो पौधे होते हैं उनको मिट्टी में कौन जमा के रखता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट रूट्स, मतलब कि जड़ें जो होती है वो पौधे को मिट्टी में जमा के रखती है। सेकेंड नंबर आता है होल्ड द प्लांट अपराइट। ठीक, इसका मतलब होता है कि जो पौधे होते हैं उनको सीधा कौन रखता है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टेम। जो स्टेम होता है, तना होता है, वो पौधे को सीधा रखता है। फिर अपना थर्ड आता है द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है पत्ती का जो सपाट और चौड़ा हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, थर्ड का आंसर है लेमिना। ठीक है, यानी कि फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है सपाट और ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, जो पत्ती का सपाट और चौड़ा भाग होता है उसे लेमिना कहते हैं। फोर्थ आता है ग्रो फ्रॉम स्मॉल बड्स प्रेजेंट्स ऑन द स्टेम्स। देखिए इसका मतलब होता है कि जो तना होता है उस पर जो छोटी कलियां होती है उन कलियों से कौन बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोवर्स। ठीक है, जो फूल होते हैं वो तने पर, स्टेम पर छोटी कलियों के रूप में बढ़ते हैं। फिफ्थ आता है आर कंटेंट मोस्टली इन द फ्रूट। फ्रूट के अंदर जो होते हैं मोस्टली क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। फलों के अंदर मोस्टली बीज पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सीड्स। एक बार और देख लेना याद से। अब अपन नेक्स्ट पर आते हैं, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक, फर्स्ट आता है अपना ए प्लांट हैज थ्री मेन पार्ट्स। ठीक है, जो पौधा होता है उसके थ्री मुख्य भाग होते हैं, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। इसका आंसर, इसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो रूट्स एंड शूट्स। ठीक से, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड आता है कैरोट एंड हिबिस्कस हैव टेप रूट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा ट्रू, जो कैरोट और हिबिस्कस होते हैं वो टेप रूट्स में आते हैं। थर्ड आता है प्लांट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये फाल्स हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं। तो ये कह रहा है कि प्लांट्स गिव आउट, यानी कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो ये हो जाएगा फाल्स। फोर्थ आता है फ्रूट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट, तो ये बिल्कुल ये होगा अपना फाल्स, क्योंकि फ्रूट जो होते हैं वो पौधे के सुंदर भाग नहीं होते। कौन होता है पौधे के सुंदर भाग, फ्लोवर्स होते हैं, तो यहाँ लिखा है फ्रूट, मतलब ये फाल्स। फिफ्थ आता है पोमीग्रेनेट हैज मेनी सीड्स इन इट, तो ये ट्रू होता है। पोमीग्रेनेट मतलब अनार, तो अनार में बहुत सारे बीज होते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक, एक बार और देख लेना। नेक्स्ट पर आते हैं सी, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। फर्स्ट आता है कॉलम ए में रूट, रूट का मतलब होता है जड़ें। ठीक है, सीड, सीड्स मतलब बीज, लीव का मतलब पत्तियां, स्टेम मतलब तना। फर्स्ट इधर देखिए, फर्स्ट आता है प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, सेकेंड है कैरीज फूड, थर्ड है ग्रो इनटू न्यू प्लांट, फोर्थ है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो रूट,
फर्स्ट का रूट में क्या हो जाएगा अपना फोर्थ नंबर, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, यानी कि जो जड़ें होती है वो क्या कर लेती है, पानी और खनिज लवण को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। तो फर्स्ट को मिलाएंगे फोर्थ से। सेकेंड आता है सीड्स, सीड्स का मतलब बीज। तो थर्ड आता है, इसको थर्ड सेकेंड को मिलाएंगे थर्ड से, ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स, यानी कि जो नए पौधे को उगाने के लिए सीड्स बीजों का उपयोग किया जाता है। थर्ड आता है लीव्स, यानी कि पत्तियां। तो इसको मिलाएंगे फर्स्ट से प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, यानी कि पौधों में भोजन को, पत्तियां जो है पौधे में भोजन को बनाती है। फोर्थ आता है स्टेम, इसको मिलाएंगे कैरीज फूड, ठीक है, जो तना होता है उसी पर भोजन या फल फ्रूट जो होते हैं उसी पर लटके हुए होते हैं। अपना ऑप्शन आता है डी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका फर्स्ट है प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट टू द स्टेम, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कौन जो है वो तने को, स्टेम मतलब तना, तो कौन जो है तने को खनिज लवण तथा पानी प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट्स, जो जड़ें जो होती है वो तने को पानी और खनिज लवण देती है। सेकेंड आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन अपने को थ्री ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा जो होता है तने का, इनमें से कौन सा सबसे मोटा कठोर भाग होता है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा, किसका तना मोटा कठोर होता है, तो इसका हो जाएगा अपना मैंगो ट्री, जो आम का जो पेड़ होता है उसका तना मोटा और कठोर होता है, ठीक है। तो थर्ड है अपना द ओपनिंग प्रेजेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ कॉल्ड, ठीक है। जो पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमेटा, स्टोमेटा का मतलब रंध्र। फोर्थ आता है प्लांट्स टेक इन फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें पौधे क्या लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ आता है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ब्यूटिफुल एंड कलरफुल, ठीक है, पौधे का कौन सा भाग सबसे सुंदर होता है तथा सबसे रंगीन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोवर, जो फूल होते हैं वो पौधे में सबसे सुंदर तथा रंगीन होते हैं। इसी के साथ अपना जो एक्टिविटी थी इस लेसन की वो कंप्लीट हो चुकी है, कल अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये एक्टिविटी सारी बुक में फिलअप कर लेना और क्वेश्चन आंसर अपन कल से फेयर कॉपी में करेंगे, ठीक। थैंक यू।